नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे BSNL का अर्थ आज लोकसभा में भाई साहब नहीं लगेगा क्यों बताया गया। जी हाँ दोस्तों, ये आज का न्यूज़ नहीं है, कल या परसों का ये न्यूज़ है, जिसमें एक सांसद साहब के द्वारा बताया गया कि BSNL का मतलब होता है भाई साहब नहीं लगेगा। और भी कई बातें कही है इन्होंने। तो दोस्तों, किस बात पे कहा कि भाई साहब नहीं लगेगा और BSNL के बारे में BSNL टेलीकॉम मंत्री ने इसको क्या जवाब दिया है, तो आज हम बताएंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई साहब नहीं लगेगा, बिहार के सांसद ने लोकसभा में बताया BSNL का मतलब। पिछले काफ़ी समय से देश BSNL की सेवाओं को लेकर परेशान है। इस पर बिहार से सांसद जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने BSNL की फुल फॉर्म सदन में बताई। लोकसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान बिहार से जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने BSNL की सेवाओं को लेकर संचार मंत्री अश्नवी वैष्णव से सवाल किया, साथ ही BSNL की नई फुल फॉर्म सदन को बताई। राजीव रंजन सिंह ने सवाल किया कि ये बहुत अच्छा है कि सरकार टावर्स को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ रही है, इसकी गति पहले धीमी थी, अब यह गति तेज हुई, लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ तो प्राइवेट ऑपरेटर ले रहे हैं। तो दोस्तों, उसका क्वेश्चन जायज था कि आपने जो नीति बनाई है कि सभी टावर को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा, लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर को मिल रहा है, BSNL को तो इससे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर आप किस प्रकार कह रहे हैं कि हमने ऑप्टिकल मोबाइल टावर को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं ताकि BSNL को फायदा है, ये तो आप सरासर गलत बोल रहे हैं। और दूसरी बात बोला, उन्होंने कहा कि गाँवों में आपके BSNL का फुल फॉर्म। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बातें में कुछ पन है कि आपके BSNL यानी BSNL टेलीकॉम मंत्री जी को बोल रहे हैं आपके BSNL, निश्चित ऐसा ही बोलना चाहिए। भाई साहब नहीं लगेंगे, BSNL का फुल फॉर्म है भाई साहब नहीं लगेंगे हो गया है, और BSNL की सेवा लगातार गिर रही है। आपका BSNL आज तक 4G का इस्तेमाल नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, आजकल संसद में लगातार BSNL के बारे में सभी सांसद इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जो BSNL के लिए एक प्रतीक है कि अब भी BSNL जिंदा है। क्योंकि जब लोकसभा में इस प्रकार की क्वेश्चन आती है तो टेलीकॉम मंत्री जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं, और इससे लगता है कि सांसद लोग भी BSNL के प्रति सचेत हैं और BSNL को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका BSNL आज तक 4G का इस्तेमाल नहीं कर पाया और आप 5G पर चले गए। हमारा सवाल है कि BSNL की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सरकार के पास कौन सा कार्यक्रम है, क्योंकि BSNL के जो कस्टमर हैं वो प्राइवेट ऑपरेटर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने जब BSNL के बारे में पूछा तो उन्होंने 4G से 5G पर चले गए, लेकिन जबकि अभी BSNL को 4G तक नहीं दिया गया। तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने तो आपको सिर्फ BSNL के बारे में पूछा कि परफॉर्मेंस के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने 4G से 5G तक चले गए हैं, जो कि अभी तक आप 4G भी नहीं दिए हैं, तो 5G पर क्यों चले गए हैं। इस पर संचार मंत्री अश्नवी वैष्णव ने कहा, BSNL भारत में निर्मित 4G का रोल आउट शुरू कर रहा है, और जैसे जैसे यह रोल आउट होगा वैसे वैसे BSNL की सर्विस बहुत ही बेहतर होगी। अश्नवी वैष्णव ने सदन को यह भी बताया कि भारत के वैज्ञानिकों ने 4G डेवलप किया है, वह पूरा सेटअप बनकर तैयार हो गया है। BSNL 6000 टावर का पहला ऑर्डर सप्लाई कर रहा है, प्लेस कर रहा है, उसके बाद फिर 6000 टावर और लगाए जाएंगे, उसके बाद 1,00,000 टावर की और योजना है, साथ ही साथ 5G का डेवलपमेंट हो रहा है। अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत देश में 4G और 5G की टेक्नोलॉजी तैयार हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे जैसे 5G भारत में आएगा वह रेल में भी मिलने लगेगा। तो दोस्तों, ये न्यूज़ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए।